कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु संघवी, चुनाव प्रभारी दिल्ली पीसी चाको, प्रदेश अध्यक्ष शीला दीक्षित समेत कई पूर्व मंत्रियों की उपस्थिति में कांग्रेस के घोषणा पत्र का उद्घाटन किया गया। क्योंकि इसके विपरीत आपने देखा है पिछले मैनिफेस्टो में सत्तारूढ़ पार्टी के और 5 वर्ष के शासन में दो शब्द फेकूबाजी जुमलेबाजी। कांग्रेस के मैनिफेस्टोज में भी प्रस्तुतीकरण में व्यापकता में ढांचे और व्यवस्था में ये उत्तीर्ण है। इसमें सोच ही नहीं है, दूरदर्शिता ही नहीं है, संपूर्णता है, व्यापकता है, यथार्थता है, लेकिन इसके पोर पोर से आपको ईमानदारी दिखेगी। और ये ईमानदारी शब्द बहुत आवश्यक और महत्वपूर्ण इसलिए है, जैसा आप जानते हैं इंटरनेट के थ्रू पूरे देश से पब्लिक से, और इसका मूल मंत्र है, इसके 6 स्तंभ हैं जो लिखा है शुरुआत में, काम, दाम, शान, सुशासन, स्वाभिमान और सम्मान। कृषि पे आते हैं, वो अड़तियों और बिचौलियों के लिए एक प्रसन्नता का सोर्स बन गए हैं और उनसे कृषकों का फायदा नहीं होता है। तो इसमें घोषणा की है कि हम ऐसे सभी एग्रीकल्चरल स्टेट मार्केटिंग एक्ट्स को निरस्त करेंगे, अबॉलिश करेंगे। बहुत क्रांतिकारी एक घोषणा है, सूची लंबी है मैनिफेस्टो में। मैं आपसे विनम्र अनुरोध करूंगा कि थोड़ा समय निकाल के उसको पढ़िए। ये दस्तावेज आम दस्तावेज नहीं है, ईमानदारी का दस्तावेज है। कई ऐसे बिंदु हैं जिसका मैंने जिक्र नहीं किया। जुडिशरी में बहुत सारे इनोवेटिव सुझाव हैं। टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स देखिए और आप इससे निश्चित रूप से प्रभावित होंगे। NBC के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।